सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। और आज का दिन है 23 मार्च। मैं क्यों इतना जल्दी में हूँ, एक्चुअली क्या है कि अभी मैं सो के उठा, वो बज रहे हैं 9:30 सुबह के, और मैं भी सो के उठा और तुरंत मेरे पास फ़ोन आ गया कि शूट है, जल्दी से ऐशबाग आ जाओ। तो भाई आप तो जानते हैं ना कि शूट का कभी कभी एकदम से होता है कि फ़ोन आ जाता है कि जल्दी से शूट पे जाना है, कभी कभी एक दिन पहले आता है। तो एक दिन पहले जो आता है वो ज़्यादा बेटर रहता है, लेकिन जो एक दिन तुरंत आ जाता है, जिस दिन शूट होता है, वो 1 घंटे में मुझे बुलाया है। और मेरे घर से और ऐशबाग का फासला कम से कम 8 किलोमीटर तक का है, और मुझे जल्दी से जल्दी पहुँचने रहेगा। तो मैं जल्दी से अभी तैयार हो रहा हूँ, मुझे जल्दी से शूट के लिए जाना है। बाय द वे, आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ इसको लाइक, ये एपिसोड पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को। मेरा अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, यहाँ पे आपको बेल आइकन दिख रहा होगा उसको प्रेस करके क्लिक कर दो और जुड़े रहो मेरे साथ। बाकी चलो चलते हैं शूट की तरफ। पहले तो जल्दी से मैं तैयार हो जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत स्ट्रेस, बहुत टेंशन, बहुत स्ट्रेस्ड हूँ मैं कि क्या होने वाला, कैसा शूट रहेगा वहाँ पे, क्या डायलॉग्स हैं, अभी कुछ मिला भी नहीं है। तो चलिए, आप लोगों को शायद मज़ा आएगा, मैं आपको इसके पर गारंटी देता हूँ। जो भी सीन रहेगा पैक तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। जब मैं तैयार हो जाता हूँ, लेट हो रहा है, तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो ऑन आवर शूट। फाइनली गाइस, अभी मेरा शूट, लंच ब्रेक हुआ है शूट के, और ये देख सकते हैं यहाँ पे हमारा शूट चल रहा है। और क्या बताऊँ, अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शूट कर ले रहा हूँ। अभी हम लोग का लंच ब्रेक हुआ है और 5 घंटे लगातार शूट चला है। तो अब जाके लंच ब्रेक हुआ है तो प्रकाश झा, जो डायरेक्टर प्रकाश झा हैं, वो आए हैं, और काफ़ी बड़ी यूनिट आई है शूट के लिए। प्रकाश झा डायरेक्टर एंड काफ़ी लोग आए, तो ये देख सकते हैं पीछे वो सब कैमराज लगे, वहाँ शूट चल रहा है। तो अभी तो सब लोग गए हैं लंच के लिए, तो देखते हैं कि फ़ोटो खींच पाती है कि नहीं। तो मैं भी जा रहा हूँ लंच पे, एंड चलो पहले लंच कर लेते, काफ़ी देर से शूट चल रहा था। देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ये सब पूरा सेटिंग किया हुआ है शूटिंग का। ये देख सकते हैं पूरा लाइट वाइट लगा, सब शूट चल रहा है यहाँ पे। वहाँ पे हम लोग का शूट था, वो सब हो चुका है। तो भाई लोग, काफ़ी बढ़िया शूट चल रहा है, और मैं जो हूँ अभी लंच ब्रेक के लिए, हम लोग को ब्रेक दिया गया है, लंच ब्रेक हुआ है, और 5 घंटे से लगातार शूट चल रहा था। एक्चुअली हम लोग को अलाउड नहीं है कि हम लोग वीडियो और फोटो शूट कर सके, इसलिए मैं अभी जैसे ही शूट खत्म हुआ है तो मैं बाहर आया हूँ। प्रकाश झा डायरेक्टर आए हैं और काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिल के, काफ़ी नॉलेज दे रहे थे, काफ़ी बता रहे थे। बट वही है कि हम लोग अनलक्की हैं कि वीडियो शूट और फोटो शूट उनके साथ नहीं कर सकते, बट मैं ट्राई करूँगा शूटिंग के एंड में। तो चलिए, लंच ब्रेक हुआ है क्योंकि बहुत भूख लग रही, मैं तो जा रहा हूँ खाना खाने, एंड मैं भी लीड में ही हूँ, सेकंड लीड में हूँ मैं। देखते हैं कि अगर हम लोग का वो कटता नहीं है स्क्रीन टाइम, तो फुटेज मिल जाएगा। तो ब्लॉग पसंद आ रहा हो, एपिसोड पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब ना करना भूलना, एंड चलो चलते हैं लंच ब्रेक की तरफ हम लोगों से। तो कैमरा लगा है, कैसे क्या क्या है यार, तो ब्लॉग के लिए अपने बना ले रहा हूँ। असली कैमरा शूट नहीं कर सकते हम लोग, तो अपना कर ही सकते हैं, क्यों है बताओ, इससे शॉर्ट स्टोरी शूट हो रही है। अरे भाई तुम, और ब्रो सब शूटिंग खत्म हो चुकी है, मैं शूटिंग से दूर आ चुका हूँ। शूटिंग का सेट 5 बजे अभी पैकअप हुआ है, तो अभी मैं वहाँ से निकला हूँ। बाकी मैं आया हूँ अपनी दादी के घर, ये वो गली है
जहाँ पे हमने काफ़ी सारी अपनी यादें बिताई हैं। मैं आया हूँ यहाँ पे, यहाँ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी दुख हो रहा है कि वो सारे पल वापस नहीं आ सकते बचपन में बिताए हुए वो गलियों में, बट काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे आके थोड़ा बैठूँ, थोड़ा देखूँ। तो फाइनली शूटिंग में तो बहुत मज़ा आया, डायरेक्टर सर के साथ एक फ़ोटो भी हो गई प्रकाश झा के साथ, एंड बस यही सब था आज का दिन। चलिए अभी चलते हैं घर एंड कंटिन्यू करते हैं ब्लॉग को आगे, एपिसोड को आगे। सो भाई लोग, मैं आ गया हूँ घर अपने शूट को कंप्लीट करके, और बज रहे हैं रात के 8:30। बहुत थक गया हूँ, बहुत मज़ा आया शूट में, क्या मस्त शूट हुआ आज, क्या मज़ा आया। डायरेक्टर प्रकाश झा वॉज सो ग्राउंड टू अर्थ मैन, मतलब इतने अच्छे इंसान थे वो, वॉज मतलब वो कम्प्लीटली ग्राउंड टू अर्थ थे, मतलब बहुत अच्छे इंसान थे वो। मतलब उन्होंने ऐसा फील ही नहीं होने दिया कि वो बहुत बड़े डायरेक्टर हैं या फिर कुछ हैं वहाँ पर। मतलब सेट में मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे पहले मैं कई सारी शूटिंग्स में गया हूँ, सत्यमेव में गया हूँ, बहुत सारी शूटिंग्स में गया हूँ, बट यहाँ का जो एक्सपीरियंस था वो मतलब एक नंबर था। बहुत अच्छे लोग थे, बहुत मज़ा आया। डायरेक्टर ने मेरे साथ भी खूब मस्ती की, मज़ाक किया, हम लोगों ने बहुत मज़ा किया एक दूसरे के साथ, हम लोगों ने क्रू ने एक दूसरे के साथ खूब मज़ा मस्ती की, बहुत मज़ा आया। मतलब एक जो फील होना चाहिए, पॉजिटिव वाइब होनी चाहिए, एक फैमिली जैसा जो फील होना चाहिए वो वहाँ पर आ रहा था, और वो हम सब एक्टर्स को, वहाँ के क्रू को, सबको मतलब एक मोटिवेट कर रहा था कि हम लोग और अच्छे से काम करें, और इंथुजियाज़म बनाया हुआ था। सो बहुत मज़ा आया, बहुत अमेजिंग वर्क हुआ वहाँ पे। सो इतनी देर, 5-6 घंटे, और 5-6 नहीं बल्कि मैं कह सकता हूँ 8 घंटे के शूट के बाद अब आज एक प्रॉपर नींद आएगी। और जाने से पहले व्लॉग को एंड, और इस एपिसोड को एंड करने से पहले, प्लीज़ आपको ये अगर एपिसोड, ये व्लॉग आपको पसंद आया हो, देन प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, चैनल को नहीं किया है सपोर्ट करते रहो अपने भाई को, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ, एंड लखनऊ से होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन हाँ बड़ी बात यह है कि मैं एक क्रिएटर हूँ, एक एक्टर हूँ, और बस यही चाहता हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करते रहें। सो तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, इन्जॉय करिए अपने फैमिली के साथ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, पीस, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।